नमस्कार। और आज नूर्स हॉटपॉट बनाएगा अपने रेगुलर सैंडविच को एक बहुत ही यूनिक स्टाइल में। एज यू कैन सी कि इसे हमने एक बहुत ही यूनिक क्यूब साइज में बनाया है और इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स को क्लब किया है, तो इसका नाम जो है वो पड़ गया क्लब एंड क्यूब वेजिटेबल सैंडविच। सबसे पहले आप अपनी मनपसंद सब्जियों को बारीक बारीक काट लें। ये एक बहुत ही अच्छा ब्रंच का ऑप्शन है। आप इसे इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं या फिर कभी भी आपका मिडनाइट स्नैकिंग का मन है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यमी बनता है। बच्चे हों या बड़े हों, सैंडविच सबको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और क्योंकि ये एक कंप्लीट मील है इसलिए इसे बनाना भी बहुत आसान है और आपको और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक बात आपको बता दूं कि अपने भारत में मुंबई और इंदौर के सैंडविचेस जो हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं, लेकिन आज जो सैंडविच हम बना रहे हैं वो भी किसी से कम नहीं है। आप इस सैंडविच को ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपका सैंडविच कैसे बना या आपने इसमें क्या यूनिक किया। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप इस सैंडविच में अपने मनपसंद की कोई भी सब्जियां यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ बेसिक से कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि घर पे सबके पास अवेलेबल होते हैं वो यूज़ किए हैं। आप इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पर ब्राउन ब्रेड या कोई भी मल्टीग्रेन ब्रेड का यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रिम जो ब्रेड साइड्स हैं आप इसे बिल्कुल मत फेंकें। हम अभी इससे बहुत ही अच्छी रेसिपी लाने वाले हैं। मैंने यहाँ वेज मेयोनेज, ग्रीन चटनी, रेड चटनी, टोमेटो केचप ये सब यूज़ किया है। आप यहाँ किसी भी तरीके की अपनी फेवरेट चटनी या अपना फेवरेट स्प्रेड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जो बटर है वो आपका थोड़ा सा ओवर पावर कर जाता है किसी भी चीज़ को, तो आप उसे यहाँ स्किप करके देखिए। ये बहुत ही अच्छा बनता है बिना बटर के। स्पेशली जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है कि उनके बच्चे जो हैं वो वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, आप उन्हें यहाँ पावर पैक ओवरलोड करके ढेर सारी सब्जियाँ खिला सकते हैं और ट्रस्ट में उनको बिल्कुल पता नहीं चलेगा। देखिए कितना सुंदर हमारा सैंडविच लग रहा है। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट फ्लेवर्स और वो जो हमने चटनियाँ इसमें अलग अलग लगाई हैं उससे इसको एक जो वो जंगली वाला टेस्ट आने वाला है ना, माइंड ब्लोइंग। इस पे हमने चाट मसाला और ओरिगेनोज, सीजनिंग्स, आप कुछ भी अपने फ्लेवर्स डालकर इसे एकदम वो जंगली जैसा सैंडविच बना दीजिए और आप देख सकते हैं कि हमारा सैंडविच लेयर अप हो चुका है और ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। किसी भी पैन या तवे को गर्म करके आप ये प्रोसेस फॉलो कीजिए। इससे आपके सैंडविच को एक इतना सुंदर यूनिक क्यूब शेप आएगा कि आपको देखने में ही सैंडविच बहुत अच्छा लगेगा। आपको किसी भी हीटिंग पैन पे थोड़ा सा चीज़ स्प्रेड करके अपने सैंडविच को चारों तरफ से बाइंड कर लेना है बहुत अच्छे से, तो एक सुपर चीज़ी क्रंची मंची सैंडविच के लिए आप सभी रेडी हो जाएं। See how beautiful it is going on. ये स्टेप आप सैंडविच की सभी डायरेक्शंस में फॉलो करें और देखिए आपका कितना माइंड ब्लोइंग रिजल्ट इस सैंडविच का रहता है। जब कुछ रेगुलर खाने का आपका मन नहीं है तो आप इस सैंडविच को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही एक हेल्दी और टेस्टी स्नैकिंग ऑप्शन है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितना जूसी चीज़ी क्रंची सैंडविच बनकर तैयार है। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया
तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।